माहौल तो सब मिक्स है, इंडिया के फेवर में है ऐसा लग रहा। शेख 400 पार होने वाले हैं और दावे के साथ 400 पार होने वाले हैं। 300 भी नहीं मिलते, 400 की क्या बात कर रहे हैं। झूठी बात करने में मोदी एक नंबर पे, हर चीज़ में बीजेपी नाकाम है। इतना भयानक माहौल अपने मुल्क में कभी भी नहीं था। मुसलमानों को टारगेट करना, बीफ खाया है बोलकर जान से मार देना। 5 किलो राशन डॉलर भी आता है, एक महीना कहेंगे 5 किलो अनाज। 150 के अंदर ही चलेंगे और बहुत होगा तो 160 तक जाएंगे। बीजेपी नहीं आती अब, किसी के बाप में दम नहीं है। संविधान को चेंज करना है। इस माहौल तो सब मिक्स है, इंडिया के फेवर में है ऐसा लग रहा। माहौल तकरीबन इंडिया गाड़ी के फेवर में है ऐसा लग रहा। बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही तो उसकी क्या सच्चाई? वो जो है तो संविधान बदलने के लिए उनको 400 के ऊपर सीट चाहिए, 400 के ऊपर। ये सबके समझ में आ गया है, इसलिए उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। जो क्या मिलेंगे 400 पार उनको? नहीं, उनको 300 भी नहीं मिलते, 400 की क्या बात कर रहे हैं आप? क्योंकि उनका सच्चा क्या है तो बताइए, सच्चा बताइए ना। आप पत्रकार लोग हैं, आप बताइए सच्चा क्या है उनका। सारी बातें तो झूठी है, उनका सरकार बनना ही मुश्किल है, 300 कहाँ से मिलेंगे। इंडिया अलायंस के फेवर में क्या सबसे बड़ी बात देखते हैं आपके, इसके वजह से लोगों ने ज़्यादा वोट करे? वो बेरोज़गारी का मुद्दा जो है तो जल्दी से सॉल्व करेंगे बोलते हैं, उस पर लोगों को बहुत भरोसा है और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से और दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। नौजवान अगर काम को लग गया, रोजी रोटी को लग गया तो उसका बहुत सा मसला हल हो जाता और दूसरी चीज़ों में उसका ध्यान नहीं जाता। सो सबसे बड़ी बात बेरोज़गारी की कर रहे, उसमें लोगों को बहुत भरोसा भी आया है। नाकाम नजर आई आपको रोज़गार देने में या जो भी उनके वादे थे? हर चीज़ में बीजेपी नाकाम है, बताइए ना उनका अच्छा क्या है। उन्होंने जो है तो गुजरात में पुतला बना दिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। खेती शेतकारी का देखो आप, खेती वालों का, किसानों का, उसके लिए उन्होंने किले लगा दिए रास्ते में। उनके साथ 700 ज़्यादा लोग शहीद हो गए, उसमें उसका नाम नहीं लेते। मणिपुर में PM नहीं जाते, खेती वाले शेतकारी से बात करने को PM नहीं जाते। तो बीजेपी का अच्छा क्या है ये बताइए आप मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं। इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो आप बोल रहे कि वो अब कोई भी चीज़ की जवाबदेही लेने को तैयार रहेंगे? जी, कम से कम देश में एकता और अखंडता का माहौल तो बनेगा कम से कम। और कुछ अच्छी चीज़ें जो बोल रहे हो तो कुछ तो करेंगे, 100% नहीं करेंगे लेकिन 50% भी करें तो बहुत बड़ी बात है। और करेंगे वो, क्योंकि वो पूरे सब एक जगह इसीलिए आए हैं कि देश को अच्छे रास्ते पर लेके जाना है। अभी जो है तो 14-10 साल में देख रहे होंगे आप कि इतना भयानक माहौल अपने मुल्क में कभी भी नहीं था, हिंदुस्तान में आज जैसा है। इसलिए उसको ज़रा फेवरेबल है सबके नज़र में। लोकसभा के चुनाव हुए अपने पास अभी, तो बीजेपी जिसमें 400 पार का दावा कर रही और इंडिया अलायंस सरकार बनाने का दावा कर, क्या लगता है आपको किसकी हवा चली? बेशक 400 पार होने वाले हैं और दावे के साथ 400 पार होने वाले हैं। पेट्रोल 400 के पार होने वाला है, मूंग की दाल 400 के पार होने वाली है, मसूर की दाल 400 के पार होने वाली है, चने की दाल 400 पार होने वाली है। होने वाली ना, कौन नहीं बोल रहा 400 पार बिल्कुल होगा। बीजेपी के दौरे इख्तदार में सिर्फ 400 पार पेट्रोल, दाल, गेहूं, आटा, दूध, ये सारी चीज़ें 400 पार होने वाली। अब आप कौन से 400 पार होने की बात कर रहे हैं, मेरे को ज़रा समझाइए, मोटे दिमाग का इंसान है, ज़रा बात समझ में नहीं आती। 400 पार MP लेकर आएंगे, बोर्डर बहुमत से सरकार बने। देखिए, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, आप ख्वाब देख सकते हैं, ख्वाब देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता तो आप ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन ये ख्वाब ही रहेगा। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, तो फैसले आसमानों पे तय होंगे और जनता ने जिसको पसंद किया होगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की तो नहीं बनेगी, इतना मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ आपको। बीजेपी के हक में कौन सी चीज़ नेगेटिव जा सकती है आपको, क्या लगता है लोग नफरत करने की वजह क्या बन सकती? सबसे पहले तो मुसलमानों को टारगेट करना, बीफ खाया है बोलकर जान से मार देना, और महंगाई, ये ना हिंदू के लिए है ना मुसलमान के लिए, महंगाई सबके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। आज सिलेंडर देखेंगे तो 1100 के पार हो गया है, पेट्रोल जो है तो 100 के पार हो गया है, दूध जो है तो 30 रुपये वाला 80 रुपये और 100 रुपये लीटर हो गया है, और दालें जो है तो 100 के पार चले गई है। तो महंगाई इतनी सबसे बड़ी वजह महंगाई बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इंडिया अलायंस वाले बोल रहे हैं क्या बीजेपी 400 पार आती है तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या बदल सकती बीजेपी संविधान? देखिए, ये इस मुल्क का संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है जो उठाएंगे और बदल देंगे। ये संविधान इस मुल्क के महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को बनाया है,
और जब तक कि ये दुनिया रहेंगी, ये दुनिया कायम रहेंगी, ये संविधान कायम रहेगा, किसी के बाप में दम नहीं है, संविधान को चेंज करना है। इस मुल्क में अगर रहना है तो सबको संविधान फॉलो करना पड़ेगा, संविधान बदलने का किसी को हक नहीं है। जैसे समझता जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो देशद्रोही है, मुल्क के गद्दार है वो लोग जो इस संविधान को बदलने की बात करते हैं। इसी मुल्क के इसी मुल्क ने हमारे को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक जैसा रहने का, सबको एक सब में खड़ा होने का अधिकार दिया है। हमको बाबा साहब अंबेडकर ने वोट डालने का अधिकार इसीलिए दिया है कि आप वोट डालो, अपने पसंद के नुमाइंदे को चुनो और अपने संविधान के हिसाब से कानून बनाओ। किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो जब दिल में आया बदल देंगे, हो नहीं सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। ये इंडिया अलायंस वालों ने पूरी कोशिश करे कि मुसलमानों को बीजेपी के नाम से यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए के नाम से डराए, तो क्या मुसलमान बीजेपी से ये वजह से डरे हुए? देखिए, अगर डरने और घबराने वाली बात करेंगे तो हम 1400 साल पीछे चले जाएंगे। हम वही कौम से हैं जिनके ठोकरों में कैसरों किस तरह के तख्तो ताज पड़े हुए हैं। जिस तरह के आज जो है तो बीजेपी इख्तदार में अपने हुकूमत के नशे में चूर है, किसी वक्त में हमान शद्दाद फिरौन भी इसी तरह अपने हुकूमत के और अपने कुर्सी के और अपने बादशाह की हुकूमत में के नशे में चकनाचूर थे, लेकिन सारी दुनिया ने उनको उनका अंजाम देखा है। और ये रहती दुनिया तक कि अल्लाह ने इनको एक इबरत का निशाना बनाया है, ये भी इस तरह से इबरत का निशाना बनेंगे। जो भी और हमारे इलेक्शन हुआ बीजेपी की तो खिलाफ है, कोई काम बीजेपी ने नहीं करी। आज बेरोजगार लोग परेशान है, खेती वाले परेशान है, आज पानी की समस्या नहीं है, आज लोग परेशान है। क्या सब खाली बस बीजेपी क्या काम करी बताओ? बीजेपी वाले बोले बहुत सारी स्कीमें और ये सब ला के हमने बहुत डेवलपमेंट कर। क्या डेवलपमेंट करे? 5 किलो राशन नहीं डेवलप आता है, एक महीना कहेंगे 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज दे रहे बीजेपी वाले और बोले बहुत महीने का राशन दे रहे। आप राशन दुकान पर चलो सिर्फ 5 किलो अनाज मिल रहा, 5 किलो गेहूँ दे रहे, 5 किलो चावल दे रहे, उसमें एक महीना पर चलता क्या? नहीं चलता। अब हमारी सरकार आपकी बार चौथी बार मुश्किल है, बीजेपी नहीं आती। अब बीजेपी वाले बोलते सबका साथ सबका विकास, क्या करें बताओ? वही जातिवादी करते हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आज इंडिया में किसका साथ है, किसके विकास है, बताइए मेरे को। आप लोग क्या चाहिए? आप बोलते हैं अच्छी नहीं अच्छी देंगे, मेरे आदमी हर अमीर होता आ रहा है, गरीब आदमी हर गरीब होते आ रहा, अच्छी नहीं बताइए। ये है आपकी अच्छी मोदी जी, पेट्रोल भाव बढ़ाना, अनाज तेल का भाव बढ़ाना, हर चीज़ महंगाई इतना महंगा कर दिए, गरीब आदमी किससे भीख मांगी है बताइए आप? हाँ, किसके सामने हाथ फैलाएंगे बताइए आप? आपने नोट बंद नहीं करे, आपने हर चीज़ में आपने रोक टोक करे। भाई और बहनों अच्छी दिन आएंगे, यही है अच्छी दिन, गरीबों को अच्छी दिन बताइए। नोटबंदी के टाइम में आपने ये करे और डीजल का भाव इतने आसमान छूड़े बताइए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपने ये वही बोले थे आपने, हम जनता से वादा करते हैं सबको नौकरियाँ मिलेंगे, नौकरी आज कहाँ है बताइए? जमीन खाएगी आसमान खाई नौकरी बताइए? आप अभी बोल रहे 400 पार कहाँ है बताइए? अभी आप बताइए जनता को, हर बोल रहे हम आपसे वादा करते हैं और अच्छी दिन आएंगे, हर डबल से कुछ बोल अच्छी दिन आएंगे अच्छी देंगे। हमको अच्छी दिन चाहिए, जो हमारा है वो अच्छे है हमारा सब। आप देखो, क्या नाम है सर? मैं कृष्णा बनकर, माजी नगर से। अभी अपने पास लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या माहौल लगा आपको? माहौल लोकसभा का ऐसा है, सिर्फ औरंगाबाद का जो माहौल है तो उस माहौल से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे लोगों को बोलने की ज़रूरत पड़ी नहीं किसको वोट करने का। यहाँ पे मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ और मुस्लिम भी शिवसेना का जो विरोध था मुस्लिमों में, जो बाबरी मस्जिद का विरोध था, वो सब भूल के लोग बोले नहीं अभी मोदी को हराना है, तो मुस्लिम ने खुद होके किसी की बहकावे में आके अपने उभाटा शिवसेना को वोट दिए, चंद्रकांत खैरे को वोट दिए। और महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र में से मेरे को लगता है ऐसा कि कम से कम 18 सीट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की आएंगी और शरद पवार साहब की 8 से 9 सीट आएंगी 10 में से, तो इसलिए उनको महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फटका बैठने वाला है। और ये मोदी लाट कभी भी आएंगी नहीं। अभी 400 पार का जो दावा था बीजेपी का, उसको कैसा देखता? 400 पार का उनका जो दावा है वो फंसवा, एकदम झूठा दावा है, क्यों? तो झूठी बात करने में मोदी एक नंबर पे है। और उन्होंने जो जो दावे किए आज तक, जो छोटा से छोटा आदमी है, छोटी से छोटी महिला है, जो 15 लाख रुपए देंगे, उसके बाद में ये देंगे वो देंगे, ऐसा सब झूठे दावे करके ही उन्होंने आज तक ये करे।
और उनका जो पब्लिक को अभी जो हम लोग लोगों में घूमते कि इलेक्शन के मशीन में उन्होंने कुछ गड़बड़ करेंगे, इस बार वो गड़बड़ भी कर सकते नहीं और 400 पार होते नहीं, वो 150 के अंदर ही चलेंगे और बहुत होगा तो 160 तक जाएंगे, लेकिन इस बार वो 400 पार होते नहीं, इस बार कांग्रेस यही सरकार बनाएंगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनेंगी बोल रहे हैं आप? हाँ। तो क्या मेन अट्रैक्शन देखते हैं आपके इंडिया अलायंस को, लोगों ने क्या देख के वोट करे हो? यही देखे लोगों ने कि मोदी कितना झूठा है, मोदी के जो वादे इतने झूठे हैं, हर आदमी को उनने वादा किया और उससे मुकर गया। जो गैस के रेट है, जो पेट्रोल के रेट है, हर चीज़ के जो रेट है, लोगों के खिसे पॉकेट मारने का काम ये मोदी कर रहा है। आपके खिसे में से पेट्रोल डालने गए कि तुम्हारे 20-22 रुपये चल जाते, गैस में से जो गैस अपने को 400-450 को मिलता था आज 1100-1150 रुपये मिलता है। तो ये सब निकाल के जो GST कांग्रेस ने इतना विचार किया था उस पर GST पे कि GST लगाना नहीं लगाना, वो सब विचारधारा को इन्होंने जब बोल के आए और GST लगाए, तुम्हारे पॉकेट मारी, सब में बड़ी पॉकेट मारी जो कर रहा है ये मोदी कर रहा है।